Okay, so hello, Prince. A very warm welcome on the YouTube channel of Enlist IAS. Just give me few more minutes and let me confirm that if we are live or not. लास्ट के सेशंस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज का जो सेशन हम डिस्कस करेंगे, मैं शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज दिखा देना चाहता हूँ. एंड दैट आर द क्वेश्चंस जिसके बेसिस पर हम आज चैप्टर्स को डिस्टिंग कर रहे हैं. बेसिकली हम चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, चैप्टर्स मैक्सिमम हम कवर कर चुके हैं इस फील्ड में. एंड आज जो हम चैप्टर करेंगे उसमें एयर, वाटर, एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड ऑल. बट उस सबसे पहले जो चीज उठ के आती है, वो उठ के आती है कि वट आर द क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, उसका बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है. सो यस, वी आर लाइव एंड इट इज कंफर्म्ड. सो द थिंग इज कि यस, नाउ वील स्टार्ट विद द क्वेश्चन. बेसिकली अगर हम पहले क्वेश्चन पर जाएं, ये 2023 का जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आया है. एंड दिस क्वेश्चन से इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन द सी लेवल, रिपीटेड फॉल्स इन द सी लेवल गिविंग राइज टू द प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्श लैंड. करंट से रिलेटेड है, बट स्टिल जो चैप्टर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे भी रिलेटेड है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, एंड इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आप इन सबके आंसर बहुत इजीली दे पाओगे. एंड यू विल फाइंड दीज आंसर्स इन द सेम, कई कई बार आपको सेम लाइन एनसीईआरटी में दिख जाएगा. सो नेक्स्ट इज स्टेटमेंट फर्स्ट, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन इन विंटर बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द लैंड सर्फेस. तो स्टेटमेंट 1 2 में हम बीच में बिकॉज लगा देते हैं अगर हम उनमें रिलेशन ढूंढना होता है तो. इसके हिसाब से वील सी द आंसर एट द एंड. आई विल गिव यू ऑल द आंसर्स एंड हियर इन दिस बेसिकली विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमोस्फियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इसमें इंसोलेशन पर बात की गई है, वी विल टॉक अबाउट द इंसोलेशन. इंफ्रारेड रेज की बात हुई है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है कितना नहीं होता है, ये सारी चीजें 11th के एक चैप्टर में डिस्कस्ड है. नेक्स्ट 2022 का एक क्वेश्चन आया है, एंड इट टॉक्स अबाउट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर. जब लॉन्गेस्ट डे होता है, जब जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं. नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें अलग अलग रिजर्वायर्स हैं प्लस वो कहां पर हैं, ये क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन विच केम वॉज दिस, एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हाई क्लाउड्स प्राइमरी दे रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन एंड कूल द सर्फेस ऑफ द अर्थ. लो क्लाउड्स हैव हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस एंड दस कॉज द वार्मिंग इफेक्ट. तो ये जो क्वेश्चन अब तक हमने देखे, ये डायरेक्टली आपको सिस्टम में मिल जाएंगे जो हमारे डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट स्टार्ट विद टूडेज टॉपिक. सो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें कुछ चीजें जो रिलायबली हमें डिस्कस करनी है. ओके, वी हैव सो मेनी पीडीएफ, इट्स ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हम कर चुके हैं अर्थ इन द सोलर सिस्टम, वी हैव डिस्कस ग्लोबल लेटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, हम 6th क्लास का डिस्कस कर चुके हैं. मोशन मैप्स, मेजर डोमेन्स, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द कंट्री. अब इसमें कुछ चीजें बचाएं, जब हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली इंडिया, देन 10th क्लास में इसका इंडिया का कुछ पार्ट है, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह का है, मॉनसून सिस्टम का कुछ पार्ट है. तो इंडिया को होलिस्टिक हम 3 4 वीडियोस में डिवाइड करके एक ही साथ उसको डिस्कस कर लेंगे, ताकि इंडिया का एक तरफ खत्म हो जाए. सो 6th क्लास से इतना था जो हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा 7th क्लास के जो चैप्टर्स की हम बात करेंगे, एनवायरमेंट हमने कल डिस्कस किया था, इनसाइड आर्थ अर्थ हम इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, चेंजिंग अर्थ डिस्कस कर चुके हैं. आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज एयर और वाटर. तो एयर और वाटर से रिलेटेड जितना भी एनसीईआरटी में 6 to 12 तक पूछा गया है, वहां वहां हम लेके चलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 7th क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस करनी पड़ेगी, ये पेज नंबर 20 and 30 पेजेस हैं. इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो रिसोर्सेज वगैरह का, इसमें एयर और वाटर का कोई खास 10th क्लास 8th क्लास में नहीं है, सो वी विल नॉट गो थ्रू दैट. ओके, देन हमारा आता है इसमें 9th क्लास का. 9th क्लास में बेसिकली इंडिया की लोकेशन, इंडिया के बारे में चीजें, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी जम्मू कश्मीर की, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ. तो जब हम आगे इंडिया डिस्कस करेंगे देन हम इस पर आएंगे. नेक्स्ट आता है हमारा 10th क्लास का. तो 10th क्लास से भी एक चैप्टर है जो है वाटर रिसोर्सेज, यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है, तो वहां से कवर करके हम इसको कवर करेंगे. इसके बाद जो हमें आज कवर करना है वो करना है 11th क्लास की एनसीईआरटी के ये दो मेजर चैप्टर्स, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस. बेसिकली आज हमें एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम्स भी करना है. लेट्स सी, अगर टाइम होता है वी विल डिस्कस इट. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द 7th क्लास एनसीईआरटी एंड द चैप्टर इज एयर. तो एयर बेसिकली ये एयर की पॉकेट के बारे में बात करता है, एटमॉस्फेरिक एयर के बारे में बात करता है, क्या क्या कंसेंट्रेशन है, कितना कंसेंट्रेशन नहीं है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस हुई हैं. एंड वी विल बेसिकली थॉरली डिस्कस इट एज वेल. सो वी हैव टू मूव टू पेज नंबर 20, आई गेस. यस, वी हैव टू मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 20. एंड ये बायोडाइवर्सिटी वगैरह के चैप्टर्स हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं.
So these are the things. Let me just move down. ओके रॉक्स वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा जो चीज़ें डिस्कस करने लायक हैं हमारी चेंजिंग अर्थ. ओके वी हैव टू मूव टू वेट अ सेकेंड. यस हियर वी आर. ओके विच पेज नंबर इज दिस. यस ये चैप्टर हम कवर कर चुके हैं. ये वॉल्केनिज्म से रिलेटेड थोड़ा बहुत चैप्टर था जिसमें एंडोजेनिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती हैं. फिर इसका 11th क्लास में बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है. हमने वो भी डिस्कस किया था लास्ट सेशन में. सो अगर हम अब देखते हैं सो द क्वेश्चन अराइजेज की विच पेज नंबर दिस. ओके दिस इज 13. वी हैव टू मूव टू 20. यस सो वी आर एट 18. यस सो वेट अ सेकेंड. यस हियर वी आर. तो आज जो चैप्टर एयर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली 7th क्लास में एयर बहुत माइन्यूट तरीके से दिया गया है. लोकल विंड्स होते हैं, सीजनल विंड्स होते हैं, देन कुछ परमानेंट विंड्स होती हैं. तो एयर की अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो अर्थ है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट से बेसिकली सराउंडेड है जिसको एटमोसफियर हम कहते हैं. जिसको पर्यावरण भी कहा जाता है. जितने भी लिविंग बींग्स यहाँ पर रहते हैं ये खासकर की जो एयर है ये हमें हार्मफुल इफेक्ट से भी बचाती है. जो सनरेज की जो इंफ्रारेड रेज आती है, यूवी रेज आती है, उनसे भी हमें बचाता है. किस टाइप से काम करता है वो हम देखेंगे. सबसे पहले कंपोजिशन की बात होती है. तो कंपोजिशन में जो बल्क में है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत बल्क में है. नाइट्रोजन इज अराउंड 78% एंड ऑक्सीजन इज अराउंड 21%. इसके अलावा आर्गन है 0.93%. बाकी अदर्स इसमें आते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है. एंड ये इसी कंसेंट्रेशन के साथ जो है वो ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट वगैरह बढ़ा देती है. नाइट्रोजन जो है मोस्ट प्लेंटीफुल है. मोल ओवर हमारे डीएनए जो बना है वो नाइट्रोजन से बना है. ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है सर्वाइवल के लिए. इसके अलावा नाइट्रोजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स जो जरूरत पड़ती है. जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स करके देता है. सो दिस इज द केस. जो बैक्टीरिया की यहाँ पे बात हो रही है दैट इज बेसिकली राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके इट इज राइजो, इट्स नॉट वर्किंग. इट इज राइजोबियम. ओ यू नो दैट. इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है एयर में. ह्यूमन एनिमल दोनों को जरूरत पड़ती है. ग्रीन प्लांट्स जो है ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. ये अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं, लेटर ऑन एक्सेस में इसका एनिमल्स भी यूज कर लेते हैं. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी इंपॉर्टेंट गैस है. एक ग्रीन हाउस गैस है. ये अर्थ का टेम्परेचर बेसिकली बैलेंस करने में हेल्प करती है. इसके अलावा इसका जो इम्बेलेंस है ये फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हुआ है. जैसे कोल है, ऑयल है, यहां से बहुत निकलता है. इससे बिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमोसफेयर में जा रही है. एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली ये अर्थ के वेदर सिस्टम को बेसिकली हार्म कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का ये इसमें एक इंक्रीज है. इसके अलावा जो इस चैप्टर में चीजें हैं वो एटमोसफेयर के स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है. कितना लेंथ है, कितना हाइट है. सेम चीज जो है वो 11th में है लेकिन थोड़ा सा और एलेबोरेटेड है. तो हम एक साथ इसको पढ़ लेंगे तो ये एक क्लियर हो जाएगा. इसके अलावा इसमें जो लेयर्स आती हैं दैट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. आइनोस्फियर भी यही मिलता है, थर्मोस्फियर में आइनोस्फियर भी मिलता है. इसके अलावा एक्सोस्फियर क्या है, ट्रोपोस्फियर क्या है. तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेयर आती है वो होती है ट्रोपोस्फियर जिसमें हम सारे सीजन्स को देखते हैं. 13 किलोमीटर तक की इसकी लगभग लगभग एवरेज हाइट होती है इस लेयर की. वेयर इज द लेयर, यस हियर इट इज. सो इसकी जो हाइट है दैट इज ऑन एन एवरेज 13 किलोमीटर लगभग लगभग की इसकी हाइट होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है. सीजनल वेरिएशन जो है वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं. वेदर है, रेनफॉल है, फिनोमेना, ये सारी चीजें. एंड यहीं पे ऑक्सीजन जो हमें मिलती है. इसके अलावा जो नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज योर स्ट्राटोस्फियर. स्ट्राटोस्फियर बेसिकली ट्रोपोस्फियर के ऊपर होती है और ये लगभग लगभग जाती है 50 किलोमीटर की हाइट तक. ये यू कैन सी लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक ये जाती है. और ये लेयर सबसे ज्यादा फ्री है. यहाँ क्लाउड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं. और अगर क्लाउड नहीं होंगे, क्लियर वेदर फिनोमेना होगा तो यहां जो है ये आइडियल लोकेशन होती है एरोप्लेन्स के लिए. तो एरोप्लेन्स जो उड़ाए जाते हैं वो स्ट्राटोस्फीयर में लिए जाते हैं. और एक और इंपॉर्टेंट फीचर है स्ट्राटोस्फीयर का कि यहीं पे ओजोन का जो लेयर है वो स्ट्राटोस्फीयर में मिलता है. ये चीज हमें याद रखनी है. इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है वो है मीजोस्फियर. मीजोस्फियर तीसरी लेयर एटमोस्फियर की और ये एटमोस्फियर के स्ट्राटोस्फियर के ऊपर होती है. लगभग लगभग 80 किलोमीटर तक की ऑन एन हाइट ये एवरेज ये जो है ये वहां तक एक्सटेंड करती है. और मीटराइड जो होते हैं वो इसी लेयर में आने के बाद दे बेसिकली बर्न ऑफ. यहां पे ये एक प्रोसेस होता है. इसके ऊपर आता है थर्मोस्फीयर. थर्मोस्फीयर मीजोस्फीयर के ऊपर वाली लेयर है. ये जो है ये है जहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत रैपिडली राइज करता है. थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज करता है. एंड वन मोर थिंग इज जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे और आयनोस्फीयर जो है वो इसी लेयर का पार्ट है.
एंड ये जो है ये एक्सोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में मिलेगी, 80 से 40 किलोमीटर तक का इसका भी एवरेज होता है, और लेयर जो है ये रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एंड ये जो लेयर है ये बेसिकली रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो वापस नीचे आ जाते हैं जितने भी सिग्नल्स होते हैं। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हर लेयर में कुछ चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी चाहिए, बिकॉज अगर मेंस में क्वेश्चन पूछता है डिफाइन एटमॉस्फेयर तो आपको वो चीजें स्पेसिफिकली मेंशन करनी होगी, उसकी हाइट क्या है, स्पेसिफिक क्या है, आइनोस्फियर किस में मिलता है, ओजोन किस में मिलता है, ये सारी चीजें। एक्सोस्फियर की बात करेंगे तो सबसे ऊपर है ये, सीधा जाके स्पेस या आउटर स्पेस से मर्ज होती है, ज्यादा कुछ नहीं है, वेरी थिन लेयर इसमें है, इसके बारे में कम ही पता है वैसे भी। एंड जैसे हीलियम है, जैसे हाइड्रोजन है, ये इसे स्पेस में मिलते हैं। इसके अलावा वेदर और क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे तो दो चीजें होती हैं, एक वेदर जो डे टू डे वेरी करता है, वेदर दो तीन दिन में भी वेरी कर सकता है, और क्लाइमेट जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का होता है, जैसे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंडिया का है। इंडिया का जो वेदर है वो कभी रेनी होता है, कभी विंटर वेदर हो जाता है, कभी समर सीजन हो जाता है। तो ये एक चीजें हैं जो ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है, आज फॉग है कल फॉग नहीं है, ये वेदर है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके अलावा वेदर क्लाइमेट में यही डिस्ट्रिक्शन है, एक लॉन्गर पीरियड के लिए, एक शॉर्टर पीरियड के लिए। टेम्परेचर जो हम डेली फील करते हैं, हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस किसी भी चीज की, डिग्री ऑफ कोल्डनेस जो होती है उसको टेम्परेचर कहा जाता है। टेम्परेचर जो है ये एटमॉस्फेयर बेसिकली ये दिन और रात में चेंज तो करता ही करता है, लेकिन सीजन टू सीजन भी वेरी करता है, समर हॉटर होती है, विंटर कोल्डर होती है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर को वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है जो अर्थ इंटरसेप्ट करता है, दैट इज द इंसोलेशन, तो वो टेम्परेचर को बेसिकली इफेक्ट करेगा। एंड इंसोलेशन इक्वेटर से जैसे जैसे हम चले जाएंगे पोल्स की तरफ तो वो कम होता चला जाएगा, टेम्परेचर भी ऐसे डिक्रीज होता चला जाएगा सेम मैनर में, तो ये एक चीज है। इसके अलावा टेम्परेचर इन्वर्जन का एक कॉन्सेप्ट आता है, टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आपको 11th क्लास में मिलेगा, यहीं से रिलेटेड है। एयर प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो इसके अलावा क्राउडेड हाई जैसे सिटीज में जनरली टेम्परेचर ज्यादा मिलता है, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, जो कि है अर्बन आइलैंड का कॉन्सेप्ट। अर्बन आइलैंड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहीं से उठ के आता है, एंड दिस इज द केस। ओके, सो दिस इज हियर, यहाँ जो बिल्डिंग्स के टेम्परेचर की बात की गई है। देन एयर प्रेशर की बात करेंगे तो एयर हम पे प्रेशर डालती है, जितनी भी एयर ऊपर होती है, लेकिन हम उसे फील नहीं करते। द रीजन इज कि एक ह्यूमन बॉडी पर जो है वो एयर लगभग लगभग सारी ही जगह से, वो सेम प्रेशर जो है वो सारी जगह से वहां पे लेकर के आती है। एंड जब बॉडी में सब जगहों से एक इवन प्रेशर पड़ रहा होता है, उस केस में हमें वो प्रेशर फील नहीं होता है, एंड बॉडी जो है वो भी एक काउंटर प्रेशर जो है वो जनरेट करती है इसी के अगेंस्ट। एयर प्रेशर जो है ये प्रेशर है जो वेट ऑफ एयर जो इसके ऊपर हमारा एयर का मास है वो एक्सर्ट करता है, खास करके अर्थ सरफेस पे। जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे प्रेशर जो है डिक्रीज करता चला जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज करती चली जाएगी ऊपर, क्योंकि बहुत हल्की गैसेस हैं, नीचे ग्रेविटी की वजह से प्रेशर भी ज्यादा है। एयर प्रेशर सबसे हाईएस्ट मिलेगा सी लेवल पे, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम होता चला जाएगा। हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन है एयर प्रेशर का, ये टेम्परेचर से बेसिकली डिपेंड करता है किसी एक स्पेस में। इसके अलावा एयर जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे एयर हीट कर जाएगी, अगर टेम्परेचर ज्यादा है हीट कर जाएगी तो वहां से वो क्या करेगी, ऊपर राइज करेगी, ऊपर राइज करेगी तो एक लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा उस एरिया में। अब मान लीजिए हीट ये ऊपर राइज की, तो ये अगर ऊपर ये हीटेड एयर राइज करेगी तो यहां कहीं ना कहीं ये हीट वापस ऊपर छोड़ेगी। इसके अलावा जो है यहां पे कंडेंसेशन होने लगेगा और क्लाउड फॉर्मेशन यहां देखने को बहुत इजीली मिल जाएगा। ये एक चीज है यहां जो देखने को मिलती है, दैट इज योर क्लाउड्स यहां देखने को मिलेंगे। तो रिमेंबर कि जो लो प्रेशर एरिया होता है वहां पर आपको जनरली क्लाउडी स्काई और वेट वेदर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम हैवी टेम्परेचर की बात करें जहां पे वेट ओके हम ज्यादा नीचे आ गए, अगर इसके अलावा हम हाई प्रेशर की बात करेंगे तो हाई प्रेशर में क्या होता है कि जहां पे हाई प्रेशर है वहां पे विंड जो है वो नीचे डिसेंड करने लगेगी। सपोज दैट ये एरिया है इसमें हाई प्रेशर है, एंड विंड धीरे धीरे ऊपर से नीचे डिसेंड करेगी, और जैसे जैसे विंड ऊपर से नीचे डिसेंड करेगी ये हाई प्रेशर का एरिया हो जाएगा, और जो एयर है यहां पे आप जनरली देखेंगे कि यहां पे आपको क्लियर स्काईज देखने को मिलती है, यहां पे आपको क्लियर स्काई देखने को मिलती है जहां पे हाई प्रेशर का एरिया होता है। तो एयर हमेशा हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है, जैसे लिक्विड है वैसे इसी ग्रेडियंट के थ्रू जाएगी, ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा विंड जो मूविंग एयर होती है उसको हम विंड कहते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है ये।
कई बार जो है ये स्टॉर्म का रूप ले लेती है, समटाइम जो है बहुत जेंटली जाती है, ये एक चीज है। सो ये विंड के बारे में कुछ चीजें हैं। अब अलग अलग टाइप की विंड्स होती हैं, जैसे कुछ विंड्स होती हैं परमानेंट विंड्स, कुछ होती हैं प्रिवेलिंग विंड्स। फॉर एग्जाम्पल जो विंड्स 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में आप देख सकते हैं, ये जो है ये है ट्रेड विंड्स, परमानेंट विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं। ईस्टर्लीज हैं, वेस्टर्लीज जो बहती हैं, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज, वो भी परमानेंट विंड्स हैं और कॉन्स्टेंटली जाती हैं। इसके अलावा सीजनल विंड्स हैं, सीजनल विंड्स जैसे इंडियन मानसून, सीजनल विंड जैसे इंडियन मानसून में जो ब्रांचेज आती हैं, एक ब्रांच अरेबियन सी के लिए चली जाती है और एक ब्रांच बे ऑफ बंगाल के लिए। तो ये जो एक है दिस इज योर सीजनल विंड। इसके अलावा लोकल विंड, जैसे कि गर्मी के टाइम पे खासकर कि इंडिया का जो ये नॉर्दर्न पार्ट है, इस पार्ट में हमें लू देखने को मिलती है, एंड लू बेसिकली एक लोकल विंड है, ये एक चीज है। साइक्लोन के बारे में इसमें कुछ कुछ चीजें दी गई हैं कि उड़ीसा में साइक्लोन आया था, एंड बहुत सारी चीजें, पैडी खराब हो जाता है, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। 7 to 10 meter हाई टाइड्स देखने को मिल जाते हैं। साइक्लोन जो है वो डिप्रेशन, एज अ डिप्रेशन आया था गल्फ ऑफ थाईलैंड में, और अब साइक्लोन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। सो दिस इज द केस बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों में। मॉइस्चर की अगर हम बात करेंगे तो मॉइस्चर जब एयर, जब वाटर इवेपोरेट होगा लैंड से अलग अलग वाटर बॉडीज के लिए, तो वेपर बन जाएगा। मॉइस्चर जो एयर में होता है किसी भी टाइम पे, इसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है, रिमेंबर दिस। और जब भी एयर वाटर वेपर से फुल हो जाती है, हम इसको बहुत ह्यूमिड डे बोलते हैं। जैसे जैसे वार्म होती जाती है, उसकी कैपेसिटी वाटर वेपर होल्ड करने की और ज्यादा बढ़ जाती है, और ह्यूमिड हो जाता है, और हॉट हो जाता है, इसीलिए कपड़ों को ज्यादा समय लगता है, इसीलिए हमें बहुत अनईजी या अनकंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज स्वेट जो है वो ऑलरेडी सेचुरेटेड एयर में नहीं जा पाता है। एयर जो विंड, बेसिकली जो रेन है, रेन के कुछ टाइप्स हैं, अभी हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। इसके अलावा जब भी वाटर वेपर राइज करता है, वो कूल करेगा, वाटर वेपर कंडेंस करेगा, वाटर की ड्रॉपलेट्स बनेगी, क्लाउड जो है वो बस ऐसी ड्रॉपलेट्स के मासेस होते हैं, और जब ये ड्रॉपलेट जो है बहुत हैवी हो जाती हैं, तब ये नीचे गिर जाती हैं। इसके अलावा जेट प्लेन जो स्काई में जाते हैं, आपने देखा होगा, वो कंडेंस्ड, दैट इज कंडेंस्ड मॉइस्चर, जिसकी ट्रेल अगर विंडी डे है तो गायब हो जाती है, नहीं तो हमें दिखती है। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन जो अर्थ पर आता है, ये रेन के फॉर्म में आता है, लिक्विड के फॉर्म में आता है, और ज्यादातर जो ग्राउंड वाटर है वो रेन की वजह से ही आता है। प्लांट्स इस वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, ट्री जो हिल पर है वो जो बेयर माउंटेन्स पर जो वाटर जा रहा होता है उसको रोक लेते हैं, लो लाइंग एरियाज में जाते उसको रोक लेते हैं। एंड इसी मैकेनिज्म के बेसिस पे तीन टाइप की रेनफॉल होती है, एक साइक्लोनिक है, एक रिलीफ है, और एक कन्वेंशनल रेनफॉल है। तो इसके बारे में हम देख लेंगे। साइक्लोनिक रेनफॉल तब होती है जब वार्म एयर का फ्रंट जो है वो कोल्ड एयर के फ्रंट से टकराता है, और जैसे ही वार्म और कोल्ड एयर का फ्रंट टकराएगा तो वहां पे कंडेंसेशन हो जाएगा, एंड वहीं पे हमें साइक्लोनिक रेनफॉल देखने को मिलती है। इसके अलावा रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो यहां होती है, एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल एक फिनोमेना से और बेसिकली लिंक्ड है, दैट इज योर क्लाउड बस्ट फेनोमेना। जो क्लाउड की बस्टिंग होती है, जनरली हम न्यूज में देखते हैं कि वहां बादल फट गया या हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ, तो वो जनरली ओरोग्राफिक रेनफॉल के अंडर ही आता है। इसमें मॉइस्ट एयर जब भी किसी एक रिलीफ फीचर से मीट करती है, सपोज दैट किसी हाई माउंटेन से मीट कर रही है और वो उसके आगे नहीं जा पाती है, तो वहीं कंडेंस होके और अचानक से बहुत तेज बारिश आ जाती है, ये एक चीज है। इसके अलावा कन्वेंशनल रेनफॉल है, जिसमें वार्म एयर ऊपर राइज करती है, कंडेंस होती है और ऊपर से रेन के फॉर्म में नीचे गिरती है, ये कन्वेंशनल है। तो ये अलग अलग टाइप की चीजें हैं जो इससे रिलेटेड है। इसके अलावा जो है वो है कि रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के प्लैनेट के लिए। अब एटमोसफियर क्या है, यू शुड नो, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट इज सराउंडिंग अस। दो गैसेस क्या है जो बल्क बना रही है, यू शुड नो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफियर, CO2। वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है। इसके अलावा तीन टाइप की रेनफॉल हमने डिस्कस की, वो क्या है, एयर प्रेशर कैसे कहा जाता है। सो दीज आर द थिंग्स। अब ये है कि हमें हार्मफुल रेस से कौन बेसिकली प्रोटेक्ट करेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर क्या है एटमोसफेयर की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर इज फ्री फ्रॉम द क्लाउड, जहां पे एरोप्लेन उड़ते थे, दैट वॉज द स्ट्रेटोस्फियर। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन जैसे ही अर्थ पर आता है लिक्विड फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेन। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। इसके अलावा इसी के नीचे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वाटर, जो हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा हम 10th पे चलेंगे, एंड 10th के बाद वी विल मूव ऑन टू द 11th पार्ट। आई गेस वन मोर आवर इट विल रिक्वायर, सो वी विल गो थ्रू दैट। इसके अलावा अगर हम वाटर की बात करेंगे, जैसे ही हम पानी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कैसी इमेजेस आती हैं, रेन ड्रॉप्स, बारिश का आना,
लेक्स का आना, ब्यूटीफुल लेक्स का एंड ऑल। तो बच्चों को आप देखते हैं कि बचपन में नाव वगैरह बहुत चलाने का शौक होता है, तो जो सन की हीट है ये इवेपोरेशन कराएगी वाटर का वेपर में, वाटर वेपर ऊपर जाके कूल डाउन होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद ये लैंड पर गिर सकता है, रेन में, स्नो में, या स्लीट के फॉर्म में ही गिरता है, हेल के फॉर्म में ही गिरता है। जो प्रोसेस है वाटर कंटिन्यूसली अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है, इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है। ये एक चीज है। सो दिस इज द केस हियर। जैसे एक चीज मानी जाती है कि हरियाणा के जिस रीजन में मान लीजिए अगर कोई पानी बह रहा है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, तो वही पानी जो है वो हो सकता है अमेजन रिवर में कहीं बेसिकली बह रहा हो थाउजेंड्स ऑफ ईयरों को या हंड्रेड्स ऑफ ईयरों को, वो वहां से कंडेंस हुआ, वाटर बन के कहीं हुआ, फिर समुद्र में गया, फिर वापस उठा, फिर वो इधर आया। तो ये एक चीज है। दिस इज द केस। जो मेजर सोर्सेज है फ्रेश वाटर के, वो आपको रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ओशन बॉडी सी में सॉल्टी वाटर होता है। एक बार जो क्वेश्चन आया यूपीएससी में वो इसके कंपोजिशन पर आ चुका है कि ग्राउंड वाटर में ज्यादा होता है या आइस कैप्स में वाटर ज्यादा होता है या फिर ओशियंस में वाटर ज्यादा होता है, इसके रिलेटेड में एक क्वेश्चन आ चुका है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पे पढ़नी होगी वो है ये, एंड इस ओके वेट यस हियर इट इज। सो इस मैप के अकॉर्डिंग हियर यू कैन सी कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे लेक बेयर है या लेक हुजन है, अमेजोन रिवर यहाँ देखने को मिल रही है, इसके अलावा नाइगर रिवर इधर है, कॉन्गो इधर है, ओके दिस इज ऑरेंज रिवर यहाँ है। सो दीज आर डिफरेंट रिवर्स, ब्रह्मपुत्र, गंगा इधर है, कैस्पियन सी इधर है, ब्लैक सी इधर है, डॉन बे, दिनेस्तर, ये जो है वो इधर जाती हैं, ड्रेन होती हैं ब्लैक सी में। ये रिवर्स के बारे में आपको बताना चाहिए, लेक विक्टोरिया के बारे में आपको बताना चाहिए। यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है रिसेंटली, कौन सा ऐसा अफ्रीका में जो लेक है जो ड्राई हो रहा है, तो उसका आंसर लेक विक्टोरिया था। सो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं यही इन्हीं फॉर्म से आएगा। सो नेक्स्ट थिंग अगर हम नीचे मूव करेंगे और, तो ओके यस, और सी वाटर में मिलता है वो होता है एनएसीएल, जो कॉमन सॉल्ट हम कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा जो हमें इसमें पता होना चाहिए वो है ओशियंस कितना है, 97.3%। देन आइस कैप्स की बात आती है, देन ग्राउंड वाटर, देन फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सीजन सॉल्ट लेक में वाटर कम है, एटमोसफियर में उससे कम है, और रिवर में जो फ्रेश वाटर है वो केवल 0.0001% है। सो दिस इज द केस हियर। ग्राउंड वाटर से भी ज्यादा जो वाटर है वो आइस कैप्स में स्टोर्ड है, वी शुड नो दिस। सो यहाँ पे बेसिकली वो फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि एक ड्रॉप मतलब रिवर, हाफ स्पून फ्रेश वाटर लेक्स में है, 2 स्पून जो है वो ग्राउंड वाटर है, 9 स्पून जो है वो आइस कैप्स में है, इतना फ्रेश वाटर स्टोर्ड है। ये स्पून बेसिकली बस एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिखाया गया कि हमें जो रिवर में दिखता है उससे कई गुना ज्यादा आइस कैप्स में आज भी स्टोर्ड है। सो दिस इज द केस हियर। नाउ वाटर एब्सोल्यूटली बहुत एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। वाटर अलोन जो है ये हमारी थर्स्ट बुझा सकता है जब प्यास हो, पानी के अलावा और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो प्यास बुझा सके। नाउ अब इतना प्रेशर रिसोर्स ये जो जा रहा है, इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देन सो दिस इज द केस। नाउ नेक्स्ट इसमें जो चीज आती है वो आती है ओशन सर्कुलेशन को लेकर के। कुछ मैजिकल है जब आप शी शोर पे जाते हैं, आप वेट सैंड को बीच पे महसूस करते हैं, ठंडी हवा चलती है, सी बर्ड्स देखते हैं, सॉल्ट की थोड़ी स्मेल होती है एयर में, म्यूजिक होता है वेव्स का, ये सारी चीजें होती हैं। इट इज वेरी फैसिनेटिंग, राइट? एंड ये जो काम वाटर्स जैसे पॉन्ड के होते हैं, लेक्स के होता है, ओशन वाटर हमेशा मूव करता रहता है, भले वो सरफेस करंट हो या सब सरफेस करंट हो, दोनों फॉर्म में मूव करता है। सो ये एक चीज है। इसके अलावा वेव्स की अगर हम बात करेंगे तो वेव्स जो कांस्टेंट वाटर की टू एंड फ्रो मूवमेंट होती रहती है शोर से लेकर के, दैट इज योर वेव, दीज आर कॉल्ड वेव्स, जो ओशन राइज एंड फॉल करता है अल्टरनेटिवली। सो दैट इज द बेस। अगर स्टॉर्म के टाइम पे अगर हम बात करें तो विंड जो है बहुत हाई स्पीड से जाएंगी, वेव्स बनाएंगी, जिसको सुनामी भी कह सकते हैं। सुनामी लगभग लगभग 15 मीटर बड़ी भी हो सकती है। लार्जेस्ट सुनामी जब तक मेजर की गई है वो लगभग 150 मीटर टॉल या हाई थी वो, तब वो मेजर की गई थी। और ये जो वेव्स हैं ये लगभग लगभग 7 किलोमीटर पर आर पर ये ट्रेवल करती हैं। 2004 की जो सुनामी आई थी उससे अंडमान निकोबार का जो पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, ये सबमर्ज कर गया था, बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था। उसमें एक चीज हुई थी 2004 में कि जब उड़ीसा के पास से जब सुनामी आती है तो सुनामी आने से पहले रीजन उसका ये था कि लगभग 0.9 का अर्थक्वेक आया था रिक्टर स्केल पे, और ये जो सुमात्रा की बाउंड्री है वहां पर आया था। अब इसमें हुआ क्या, सपोज दैट दिस इज इंडिया एंड हियर इफ विल गो, ओके
कुछ सुमात्रा के आसपास जो है वो ओरिजिन हुआ, ओरिजिन होने के बाद जो वेव्स हैं वो इधर आई। नाउ द थिंग इज विच हैपेंड कि जैसे ही वेव्स आती हैं, या कि 15 मीटर की हमें हाइट चाहिए होती है, तो जो ओशन वाटर है वो पीछे, बहुत पीछे रिट्रीट कर जाता है। अब हुआ ये कि वो पीछे जैसे ही रिट्रीट हुआ, तो खास करके इंडिया में लोग, वो वहां पर बीच पे सारे लोग इकट्ठा हो गए केवल यही फिनोमेना देखने के लिए, जबकि वही वो राइट टाइम था जिस टाइम पे उनको भाग लेना चाहिए था वहां से, बट स्टिल वो वहां खड़े रहे एंड दे जस्ट वॉन्टेड टू नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड अचानक से जो है वो सुनामी आई, और उससे दसियों हजार लोग जो है वो सुनामी के पानी के साथ बह गए। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे मान लीजिए कि 700 to 900 meters की होती है, लेकिन कोस्ट के पास तो आते आते, क्योंकि डेप्थ भी चाहिए होती है किसी सुनामी वेव को चलने के लिए, जितना वो ऊपर है उसको नीचे से भी डेप्थ चाहिए होती है, तो कोस्ट के पास आते आते, बिकॉज शैलो रीजन होता है, तो सुनामी की जो है वो स्पीड हाइट दोनों कम होती चली जाएगी। लगभग उसकी जो स्पीड उस टाइम थी वो 70 किलोमीटर पर आवर की लगभग लगभग हो गई थी, एंड लैक्स ऑफ हाउसेज यहाँ पे जा चुके थे। तो ये एक प्रॉब्लम है। सुनामीज इंडियन ओशन रीजन में हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती। सुनामी जनरली हमें देखने को मिलती है तो पैसिफिक रीजन में देखने को मिलती है, क्योंकि पैसिफिक रीजन जो है उसमें पूरी एक बेल्ट जो है वो लगी हुई रहती है। वेट, आई विल शो यू द पैसिफिक रीजन एज वेल। सो अगर हम पैसिफिक रीजन की बात करेंगे, तो ये पैसिफिक रीजन में हम आते हैं। पैसिफिक रीजन इज ऑल्सो नोन एज द रिंग ऑफ फायर, एंड इस ही रीजन में हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है। ये वाला जो रीजन है, ये जो रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है, यहां पे क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं एंड प्लेट्स का यहाँ कन्वर्जेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो ज्यादातर सुनामीज आपको पैसिफिक रीजन में देखेंगे। इनका आधे घंटे पहले ये लगभग आपको वार्निंग दे सकते हैं। अब इंडियन ओशन में क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी इतने ज्यादा नहीं है, हमारे पास कोई भी उसका खास एक सेट नहीं था कि हमें पता चल सके कि वो कब आ रहा है या कैसे आ रहा है, तो ये एक चीज इससे रिलेटेड है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट, वेट, लेट इट लोड। ओके, सो ये ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके, देयर इज सम ग्लिच। आई गेस देर इज सर्टेन ग्लिच हियर जिसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा है। लेट मी क्लोज द पीडीएफ, डोंट सेव, ओके, लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू दिस। यस, हियर वी आर। सो इट वाज द ग्लिच ड्यू टू दैट। ठीक, सो यहां पे ये एक मेजर चीज है। ओके, एंड नाउ इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। यस, अगर ये प्रॉब्लम एक बार होता है, वी विल बेसिकली रीशेड्यूल इट फॉर सम अदर डे। सो यहां पे ये एक चीज है। ओके, इट्स नॉट वर्किंग गाइज, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। वील हैव आर नेक्स्ट लाइव सेशन टुमारो। सो इसमें हम 7th क्लास के एनसीईआरटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमें डिस्कस करना है वो केवल करना रह गया है जो है दैट इज योर एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th। इसमें इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें थी जो हमें डिस्कस करनी थी, बट वील डिस्कस देम लेटर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट सेशन। आई एम कंक्लूडिंग इट हियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद लिस्ट आईएएस फॉर बेटर प्रिपरेशन। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो।